नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला अरला, एसोसिएट प्रोफेसर, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है जापान की राजनीतिक दल। जापान का संविधान अपन पढ़ चुके हैं और ये अपना लास्ट टॉपिक है राजनीतिक दल। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो आज अपन इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक के मैंने दो पार्ट किए हैं। एक पार्ट है अपन राजनीतिक दलों की विशेषताएँ देखेंगे और दूसरे में अपन देखेंगे कि प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दलों की विशेषताएं। जापान की जो दलीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना बहुदलीय प्रणाली, अर्थात जापान में भी बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। छोटे छोटे राजनीतिक दल पाए जाते हैं वहाँ पर। फ्रांस की जैसी स्थिति वहाँ पर है दलों के बारे में, और लगभग अभी 1300 के करीबन वहाँ पर राजनीतिक दल चल रहे हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था है, छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं और बहुत बड़ी संख्या में दलों की विद्यमानता है। नंबर दूसरी बात है उच्च वर्ग के हाथों में नेतृत्व, अर्थात जापान की जो दलीय व्यवस्था है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो उच्च वर्गों से संबंधित है। उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर ज़्यादा है, उन लोगों के हाथों में राजनीतिक दलों की सत्ता रहती है और वो जनता को गाइड करते हैं। तो दलों का जो नेतृत्व है ज़्यादातर उच्च वर्गीय समूह के पास है, उच्च वर्गीय लोगों के पास है, धनी लोगों के पास है, जो राजनीति में पुरानी समय से भूमिका रखते आ रहे हैं उन्हीं के पास दलों का नेतृत्व है। नंबर तीसरी बात यह है कि संवैधानिक मान्यता का अभाव, अर्थात संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। संविधान में इन्हें कोई मान्यता नहीं दी है। राजनीतिक दलों की जो स्थिति है संविधानेतर है, अर्थात संविधान से बाहर की वस्तु है ये। इसके पश्चात आता है व्यक्ति पूजा का महत्व, अर्थात जापान में जो है राजनीतिक दलों के सिद्धांत और विचारधाराओं का कोई की दृष्टि से बहुत कम अंतर है। दल सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर नहीं है, व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर बने हुए हैं, और वोट भी या मतदाता भी चुनाव के समय जो वोट देखते हैं वो उस उम्मीदवार को ही देखते हैं, उस नेता को ही देखते हैं। तो व्यक्ति पूजा का महत्व है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, सिद्धांत या विचारधाराओं के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं और वोट भी व्यक्ति को देख कर ही दिए जाते हैं। तो व्यक्ति पूजा का महत्व है वह, या व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति विद्यमान है। फिर आता है राष्ट्रीय आधार का अभाव, अर्थात दलों का कोई राष्ट्रीय लेवल नहीं है, दल छोटे छोटे हैं, क्षेत्रीय आधार पर संगठित किए गए हैं। इसीलिए छोटे छोटे राजनीतिक दल होने की वजह से ही छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, छोटी छोटी या मिला जुला मंत्रिमंडल बनता है। तो राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी दल नहीं है जिसका संगठन हो, क्षेत्रीय लेवल के आधार पर दल बने हुए हैं। फिर आता है गुटबंदी की प्रवृत्ति या गुटबंदी का विद्यमानता वहाँ पे। जब छोटे छोटे दल हैं, राष्ट्रीय लेवल के नहीं हैं, तो दल जो है एकजुट संगठित और अनुशासित नहीं है। दलों में गुटबंदी पाई जाती है, दलबंदी पाई जाती है और आंतरिक फूट होती है, दल से अलग हो जाते हैं, वापस दल में मिल जाते हैं। तो अलग और वापस मिलन की ये प्रक्रिया वहाँ निरंतर चलती रहती है और गुटबंदी पाई जाती है। छोटी छोटी गुट दल के अंदर भी पाए जाते हैं, अनुशासित नहीं है दल। फिर आता नौकरशाही की भूमिका। जापान के अंतर्गत जो दल हैं उनमें नौकरशाही के कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं चुनावों के समय, और वो ही दलों के सदस्य बनते हैं और सत्ता ग्रहण करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो दलों के जो सदस्य हैं काफ़ी कुछ नौकरशाही से आए हुए होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि नौकरशाही के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के पश्चात महत्वपूर्ण पदों पर अपने आप को कब्जा कर लेते हैं और उनका महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर होता है। एक और है पेशेवर राजनीतिज्ञ, अर्थात जापान में जो व्यक्ति है राजनीति में पेशे के रूप में अपनाता है, दलों में पेशेवर राजनीतिज्ञों का बहुलता है, वो एक पेशे के रूप में इसको अपनाता है। साथ ही वो जो राजनीतिक दल हैं वो कुछ बड़े जो जगह हैं वही सक्रिय होते हैं, वहाँ अपना पेशा चलाते रहते हैं और चुनाव बाकी चुनाव के समय ही जनता के पास जाते हैं, वरना वो जनता के पास नहीं जाते हैं, पेशेवर अपनी गतिविधियाँ संचालित करते रहते हैं। इस तरह जो जापान की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है उसका संसदीय शासन व्यवस्था में भूमिका तो महत्वपूर्ण है, हालांकि कोई द्विदलीय व्यवस्था वहाँ आज भी उभर कर नहीं आई है।
दलों में छोटी छोटी गुटबंदी है, दलों में संघर्ष चलता है, गुटबंदी है, अलगाव होता है, वापस मिलन हो जाता है, इस तरह की प्रवृत्ति वहाँ की दलीय व्यवस्था में पाई जाती है। और इस वजह से मिला जुला मंत्रिमंडल बनता है और राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा मिला है वहाँ पर। लेकिन जैसी स्थिति है वहाँ पे जापान में, लेकिन अभी वर्तमान में काफ़ी कुछ कंट्रोल में है और ये व्यवस्था वहाँ पर चली आ रही है और दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि जापान के प्रमुख राजनीतिक दल बताइए या दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए। जापान के राजनीतिक दलों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो बहुत सारे दलीय व्यवस्था हैं, लेकिन जो मोटे मोटे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो पुरानी पार्टी है उधार लोकतांत्रिक दल, पहले अनुधार दल के रूप में ये जानी जाती थी, बाद में इसने अपना नाम कन्वर्ट कर लिया उधार लोकतांत्रिक दल। उधार लोकतांत्रिक जो दल है वो कुछ सिद्धांत उसने लिए थे शुरू में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जापान में, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता होगी, खुली अर्थव्यवस्था होगी और तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी। इस तरह की सिद्धांत लेकर ये राजनीति में आया था। दूसरा जो प्रमुख दल है समाजवादी दल है। समाजवादी दल जो है दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर एक नया पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी। ये दल भी जापान में शांतिपूर्ण विकास चाहता है, शांतिपूर्ण और वैधानिक साधनों से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। ये आर्थिक विकास पर जोर देता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति का समर्थन करता है। तीसरा जो पार्टी है वो है समाजवादी लोकतांत्रिक दल। देखिए, जापानी समाजवादी दल से ही अलग होकर कुछ लोगों ने समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी बना ली। ये भी समाजवादी वाली नीतियों को ही अपनाता है, लेकिन अति का विरोध करता है और नियोजित विकास की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है। इसके अलावा एक पार्टी है वहाँ पर कोमेटो, कोमेटो के नाम से है कोमेटो। ये एक दक्षिण पहले एक धार्मिक संगठन हुआ करता था सोकागाकी, उससे अलग होकर बना है। तो ये एक धार्मिक संगठन है, मात्र धार्मिक आधार पर बना हुआ संगठन है और ये भी वर्तमान में वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय है। इसके अलावा जो और है वो है साम्यवादी पार्टी। देखिए, वैसे तो वहाँ पर जो साम्यवादी पार्टी थी 1922 में ही बन गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार तक उस पर नियंत्रण रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साम्यवादी व्यवस्था सक्रिय हुई। साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना होता है और साम्यवाद की स्थापना चाहता है। तो ये भी वहाँ पर सक्रिय है और विपक्ष के रूप में इसकी काफ़ी महत्व बना हुआ है। इसके अलावा है न्यू फ्रंटियर पार्टी, एक नई पार्टी बनी है, ये उधारवादी दल से ही टूटकर अलग से एक न्यू फ्रंटियर पार्टी के नाम से बनी है और ये भी अभी वर्तमान में काफ़ी कुछ सक्रिय है। इसके अलावा एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उधार लोकतांत्रिक पार्टी जैसे अपन ने देखा वो है, कोमेटो में न्यू कोमेटो के नाम से कन्वर्ट कर लिया है। इसके अलावा एक योर पार्टी के नाम से भी राजनीतिक दल है। इसके अलावा जो है पीपल्स न्यू पार्टी है, सनराइज पार्टी है, न्यू रेनेसा पार्टी है। इस तरह बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन मुख्य मुख्य ये जो दल हैं जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय है। तो जापान की जो दलीय व्यवस्था है उसमें दो ही पॉइंट कवर होते हैं, एक विशेषताओं का और दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल। इससे संबंधित ये दो तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।